बुधवार को लकड़गंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत बालाघाट निवासी एक 28 वर्षीय लखपति नामक आरोपी को 32 गाड़ियों के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगे की जांच लकड़गंज पुलिस कर रही है। बुधवार को लकड़गंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत बालाघाट निवासी एक 28 वर्षीय लखपति नामक आरोपी को 32 गाड़ियों के साथ लकड़गंज पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल ये व्यक्ति बालाघाट से ट्रेन में सवार होकर नागपुर आता था और हर परिसर का बड़ी ही बारीकी से जायजा लेकर चालाकी से डुप्लीकेट की मदद से गाड़ियों को रफू चक्कर कर देता। शुरुआत में तो इस व्यक्ति से दो गाड़ियां ही बरामद की गई थी, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर इसने बाकी गाड़ियों की भी चोरी करने की बात कबूल कर ली। पुलिस स्टेशन मधील थानेदार पी आई पोटे साहेब आणि त्यांचे सहकारी पुलिस स्टेशन मधून चोरी केलेल्या वाहनांचा तपास करत असताना त्यांना त्यांचे बातमीदारामार्फत गुप्त माहिती मिळाली की भंडारा भागातील एक आरोपी या मोटरसायकल चोरीमध्ये सक्रिय आहे आणि त्यांनी शहरातून आणि आपल्या परिसरातून बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर मोटरसायकलची चोरी केलेली आहे। त्या मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर त्यांनी सदर आरोपीस अटक केली असता आणि त्याला विचारपूस केली असता त्यांनी मोटरसायकल चोरीच्या विक्रीच्या गुन्ह्यांची कबुली दिलेली आहे। आतापर्यंत त्याच्याकडून जवळपास 32 ते 33 मोटरसायकल या रिकवर करण्यात आलेल्या आहेत। त्या जवळपास वाशी आपल्या नागपूर शहरामधूनच सगळ्या चोरी झालेल्या आहेत। तर आरोपी सध्या लकडगंज पोलिसांच्या ताब्यात आहे, अजून त्याचे इंटरोगेशनचे काम चालू आहे आणि अजूनही जास्त मोटरसायकल त्याच्याकडून रिकवर होतील अशी शक्यता आहे। त्याचबरोबर आरोपीचे इतर साथीदार कोण आहे, त्याची मोटरसायकल चोरीची मोडस ऑपरेंडी कशी होती, कशा प्रकारे ते विल्हेवाट लावत होते, या सर्व गोष्टीची माहिती आरोपीकडून घेतली जात आहे आणि आरोपीकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर जे काही त्यांचे असेल ज्ञान मोटरसायकल चोरीची तिथं छडा लावून अधिकाधिक त्याच्यामधून मोटरसायकल रिकवर करण्याचा प्रयत्न या कारवाईच्या माध्यमातून राहणार आहे। जांच में उसने ये भी बताया कि उसने शहर के अलग अलग क्षेत्रों से ये बाइक चुराई थी, साथ ही उसके इस काम में और कितने लोग शामिल हैं इसका पता भी लकड़गंज पुलिस लगा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल लकड़गंज पुलिस आगे की जाँच कर रही है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।